हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फाइनली दुर्गा माता जी के ड्राइंग को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के रिलेटेड ऑलरेडी दो पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्क्राइब किया था कि ग्रेट मेथड के से कैसे परफेक्टली आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में मैंने डिस्क्राइब किया था कि ब्रश पेन यूज़ करके आप कैसे रियलिस्टिक लुक या फेस बना सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर वो दोनों वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उस दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, से वो देख सकते हैं। और काफी सारी डिटेलिंग उस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप रिमेनिंग पार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ब्रश पेन और कलर पेंसिल ऑप्ट करके, तो वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप गोल्ड कलर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे गोल्ड कलर का जो ब्रश पेन होता है वो यूज करने वाला हूँ, जो 24 शेड्स में डोम्स की जो ब्रश पेन सेट होता है उसमें ही मिलता है। बाकी छोटे सेट अगर आप लोग तो उसमें वो ब्रश पेन मिलता नहीं है। तो ये गोल्ड कलर का ब्रश पेन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद हाइलाइटेड एरिया कलर पेंसिल से ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी बनाते हो किसी भी आर्टवर्क में तो काफ़ी सारे कलर्स उसमें इक्वल करनी पड़ते हैं, तभी वो एक्यूरेट गोल्ड कलर लगता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मैंने ब्रश पेन अप्लाई किया था यहाँ पे जो गोल्ड कलर का है, और उसके बाद मैंने लाइट येलो अप्लाई करने के बाद मैं डार्क येलो भी अप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे शेडो या रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है या जहाँ पे डार्क वैल्यूज ऑप्ट करने की कोशिश ऑप्ट करनी ज़रूरी है वहाँ पे मैं ब्लैक कलर का जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमेशा रेफरेंस इमेज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई भी कलर ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वो कुछ अजीब दिखाई देगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप रेफरेंस इमेज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं यहाँ पे हर एक चीज़ ऑप्ट कर रहा हूँ। डार्क वैल्यूज़ भी ऑप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये रेफरेंस इमेज आप आपके आर्टवर्क में बनाना चाहते हो तो इस रेफरेंस इमेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो रेफरेंस इमेज भी आप आपके आर्टवर्क में बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में कुछ डिस्क्राइब करने जैसा नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में पूरी तरीके से डिस्क्राइब की है। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए और रेफरेंस इमेज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करिए। तो मिलता है कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनट में।
देखिए दोस्तों, ये आर्टवर्क फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके रिजल्ट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे डीएम कर दीजिए मुझे, अगर कुछ भी आपके डाउट्स हो गए तो वहाँ पे मैं एक्टिव होता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग टेक्निक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों।